जमीन पर सच करने के लिए काम कर रहे हैं, समाज के दलित पिछड़े शोषित वंचित लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, बुनियादी जो मुद्दे हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यही संत रविदास जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके द्वारा दिए गए अनमोल विचार, उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्श हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास। पंजाब चुनाव में ज्यादा आबादी दलित, संजय जी योगी जी ने कहा है 10 तारीख को सबकी घर में निकाल दी जाएगी। देखिए ऐसा है कि इस दर्शन को श्रद्धा के तौर पर देखा जाए, इसको किसी चुनावी राजनीति से न जोड़ा जाए। हाँ ये जरूर है कि समाज के वंचित दलित शोषित वर्ग के लिए अगर सबसे अच्छा कोई कार्य इस देश में कर रहा है तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के तौर पे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षित राष्ट्र, दलितों को वंचितों को शिक्षा देने के उनके सपने को पूरा करने का कार्य कर। आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले दीप सिद्धू की कार्यक्रम में मौत हो गई, किस तरह देखा? दुखद है, किसी की भी मृत्यु अगर दुर्घटना से होती है वो दुखद है। गर्मी निकालने की बात हो रही है, लगातार गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, क्या है बयानबाजी, किस तरह देखा? बाबा जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये भाषा चौराहे छाप नेता की हो सकती है, किसी मुख्यमंत्री की नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ बनारस में, सुल्तानपुर में, अयोध्या में जब भूत सवार हो जाता है तो झाड़ू से ओझा लोग उसका भूत ठीक करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली तारीखों में अलग अलग चरणों में होने वाले चुनाव पर सत्ता का भूत जो आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवार है उसको झाड़ू से ठीक करेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।